हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम मल्टीपल क्वेश्चन देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये आपके मीटर वगैरह से क्वेश्चन हैं, जैसे रिटोरिक क्या हो, ब्लैंक वर्ड्स क्या हो गया, पिंडेरिक ओड क्या हो गया, आपके मिल्टोनिक सोनेट क्या हैं, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये आपका थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये आपके क्वेश्चन बेस्ड है। तो अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, आपने कितना स्कोर किया है। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं, 25 मैंने क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं। इसे आप लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी फॉर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं वही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक टीजीटी, पीजीटी, DSSB, जहाँ पे भी आपके लिटरेचर है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय रिटोरिक। रिटोरिक का क्या मतलब है, रिटोरिक का क्या मतलब है। वैसे तो रिटोरिक को अगर हिंदी में हम बोलेंगे एक अलंकारिक यूज़ है, बयानबाजी भी बोल सकते हैं इसे। वन मिनट, रिटोरिक को हम बयानबाजी भी हिंदी में बोलते हैं। क्या हो रहा है, ओके, इसे हम बयानबाजी कहते हैं, हिंदी में इसे हम बयानबाजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिटोरिक मतलब क्या होता है। तो देखिए, रिटोरिक वो भाषा है, वो लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है मोटिवेट करने के लिए या इंस्पायर करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएड करने के लिए, किसे, रीडर्स को, जो पाठक हैं, जो लिसनर्स हैं उन्हें। तो अगर हम इसको हिंदी में समझेंगे, जैसे जो पाठक हो गए, जो लिसनर्स हो गए, उनको समझाने के लिए या सूचित करने के लिए या प्रेरित करने के लिए जो भाषा का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिटोरिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वन मिनट, वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, सॉरी मेरी पेन थोड़ा गड़बड़ है, आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड इम्प्रेसिवली इन पोइट्री। तो कभी भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, मतलब पोइट्री में हम जो भाषा का उपयोग करते हैं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए और इम्प्रेसिवली के बनाने के लिए, यानी कि जो पाठक हैं, जो रीडर हैं, जो लिसनर हैं, उन्हें समझाने के लिए, सूचित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो भाषा का उपयोग करते हैं उसे हम रिटोरिक बोलते हैं। नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय प्रोसोडी। प्रोसोडी का क्या मतलब है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मीन्ट बाय प्रोसोडी, प्रोसोडी का मतलब क्या है। इट इज़ द साइंस ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स, कि इट इज़ द साइंस ऑफ मीटर्स इन पोइट्री, कि इट इज़ द साइंस ऑफ स्टैंजाज इन पोइट्री, या फिर इट इज़ द साइंस ऑफ ऑल थ्री मेंशन अबव, या फिर ये तीनों ही हैं। क्या है प्रोसोडी का, तो प्रोसोडी क्या होती है, प्रोसोडी शब्द का ही मतलब क्या होता है कि पोयम हो गया, या फिर आपकी जैसे वर्ड्स हो गया, या फिर आपका पद्य हो गया, जिसे पद्य या गद्य बोल सकते हैं, जैसे हम वर्ड्स बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि आपकी वर्ड्स हो गई, पोइट्री हो गया, कविता हो गया, या गद्य में जो लय की भावना लाने के लिए भाषा और मैट्रिक लाइन का इस्तेमाल करना, वही हमारी प्रोसोडी है। प्रोसोडी में क्या होता है, जैसे आवाज़ की लय और जो माधुर को भी कहते हैं, इसमें स्वर, जो तनाव और विराम शामिल होते हैं प्रोसोडी में। तो सिंपली जो कविता या गद्य में लय की भावना लाने की भाषा को या मैट्रिक लाइन का इस्तेमाल करना उसे ही हम बोलते हैं प्रोसोडी। ठीक है, जो आपके वर्ड्स एंड प्रोज में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ये भी सही हो जाएगा, इट इज़ द साइंस ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स भी है ये, मीटर्स इन पोइट्री भी है, और इस स्टैंजा तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ द साइंस ऑफ ऑल थ्री मेंशंस अबव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ हीरोइक कॉपलेट। हीरोइक कॉपलेट क्या होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हीरोइक कॉपलेट क्या है। तो हीरोइक कॉपलेट क्या होता है, एक पोइटिक फॉर्म होती है जिस जो कंसिस्ट होता है टू लाइन्स की, टू राइमिंग लाइन होते हैं, मतलब ये भी क्या होती है, एक पोइटिक फॉर्म होता है, और ये दो लाइन की होती है, और दोनों लाइन एक दूसरे से क्या करती है, राइम करती है। जिस तरह हमने शेक्सपियर का देखा था ना कॉपलेट, शेक्सपियर ने क्या यूज़ किया था अपने पोयम में, अपने सोनेट में, वो क्या यूज़ करते हैं, लास्ट की दो लाइन, कॉपलेट जिसे हम कहते हैं, और दोनों ही लाइन क्या करती हैं, राइम करती हैं। तो हीरोइक कॉपलेट भी ऐसे ही है, ये भी पोइटिक फॉर्म होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ टू राइमिंग लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ये आपने ध्यान रखना है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, जिसका मतलब होता है देयर आर 5 आयम्बिक फीट ऑन ईच लाइन। आयम्बिक पेंटामीटर मतलब क्या होता है, जी प्रत्येक लाइन में 5 फीट होता है,
ये आपने ध्यान रखना है, प्रत्येक लाइन में 5 फीट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड का, यहाँ पे राइट आंसर इट इज़ अ टू लाइन स्टेंजा हैविंग टू राइमिंग लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, ये दो लाइन की स्टेंजा, दो लाइन की होती है, दो लाइन की स्टेंजा को हम बोलते हैं जो टू राइमिंग लाइन्स होती हैं, मतलब दो लाइन की लाइन जो, ये दो लाइन की स्टेंजा होती है और दोनों ही एक दूसरे से क्या करती है, राइम करती है। और ये रहता किस में है, एम्बिक पेंटामीटर में रहता है। और ये भी याद रखिएगा कि एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जो 5 एम्बिक फीट प्रत्येक लाइन में 5 एम्बिक फीट जो यूज़ होता है वही। और इससे रिलेटेड आप क्या याद रख सकते हैं, और इसका जो सबसे पहले, इस टर्म का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, ये अननोन है, कोई जानता नहीं है कि इसका यूज़ किसने किया था। बट ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट नोन यूज़ ऑफ द टर्म हीरोइक कपलेट वाज 1706 में, इसका ऐसा कहा जाता है इस टर्म का यूज़ किया गया था। और इसकी जो ओरिजिन है इंग्लिश पोइट्री में ये अननोन है, कोई नहीं जानता, लेकिन हम जॉफ्री चौसर को मानते हैं कि जॉफ्री चौसर ने 14th century में, ये याद रखिएगा, चौसर ने 14th century के अराउंड उन्होंने ही इसका यूज़ किया था, ये आपने ध्यान रखना है, उन्होंने ही इसका यूज़ किया था। बाद में इनका यूज़ बहुत सारे राइटर ने भी किया, जैसे विलियम शेक्सपियर ने भी किया था इसका यूज़, जैसे रोमियो एंड जूलियट में विलियम शेक्सपियर ने हीरोइक कॉपलेट का यूज़ किया है, ये ध्यान रखिएगा। रोमियो एंड जूलियट में जो लास्ट की लाइन होती है, रोमियो एंड जूलियट में जूलियट कहती है गुड बाय टू रोमियो एट द एंड ऑफ द एक्ट टू सीन्स, गुड नाइट पार्टिंग टू सच स्वीट सोरो दैट आई शैल से गुड नाइट टिल इट मोरो। तो ये इसमें इन्होंने यूज़ किया है इसका, हीरोइक कॉपलेट का विलियम शेक्सपियर ने। और 14th century में ऐसा कहा जाता है कि चौसर ने इसका यूज़ किया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। वॉट इज आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, वॉट इज एन आयम्बिक पेंटामीटर। तो अभी हमने पढ़ा ना आयम्बिक, आयम्ब क्या होता है, जो जिसमें टू सिलेबल्स होते हैं जो अनस्ट्रेस होते हैं, पहला वाला अनस्ट्रेस होता है, लास्ट वाला जो दूसरा होता है वो आपका स्ट्रेस होता है। पेंटा मतलब 5, जिसमें 5 फीट होते हैं, पेंटा मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी 5 फीट होते हैं, उसे हम पेंटामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ अ पोर्टिक लाइन हैविंग 4 फीट, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये पेंटा का मतलब होता ही 5 है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इट इज़ अ पोर्टिक लाइन हैविंग 6 फीट, ये भी गलत हो जाएगा, 8 फीट नहीं है, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ पोर्टिक लाइन हैविंग 5 फीट इन द आयम्बिक मीटर। ओके, सो बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, वॉट इज मीन्ट बाई इनजैम्ड कॉपलेट, इनजैम्ड कॉपलेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनजैम्ड मतलब क्या होता है। इनजैमेंट ये एक पोएटिक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि जब कोई सेंटेंस हो गया या कोई फ्रेज हो गया जो कंटिन्यू रहता है एक लाइन से दूसरी लाइन तक, पोइट्री में या पोइट्री में एक लाइन से दूसरी लाइन तक वो कंटिन्यू रहता है, वो एक पोएटिक टर्म है इनजैमेंट, जिसे हम रन ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, रन ऑन कहते हैं। ओके, मतलब जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर आपकी राइम चली जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इंजैमेंट बोलते हैं, इंजैमेंट। तो ये ध्यान रखना है, जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर आपकी राइम चली जाती है उसे हम इंजैमेंट बोलते हैं। ये कहाँ से आया है ये भी याद रखिएगा, जो इंजैमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो इंजैम्बर से आया है, इनजैम्बर। ओके, इनजैम्बर जिसका मतलब होता है टू स्टेप ओवर या फिर गो बियॉन्ड, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, द कॉपलेट्स इन विच द सेंस कंप्लीट एट द एंड ऑफ ईच कॉपलेट, ये गलत हो जाएगा। द कॉपलेट इन विच द सेकेंड लाइन इज कंटेंस, ये भी गलत हो, क्योंकि रन ऑन मैंने भी बताया है कि जो हमारी जो एक लाइन से दूसरी लाइन पर राइम चली जाती है वही होता है इंजैमेंट, और वही आपका इंजैम्ड कॉपलेट भी होता है। यहाँ पे भी गलत हो गया, बी करेक्ट हो जाएगा। द कॉपलेट इन विच द सेंस रन्स ऑन फ्रॉम वन कॉपलेट टू अनदर, देखिए एक जो चली जाती है एक कॉपलेट से दूसरी कॉपलेट पर, एक लाइन से दूसरी लाइन पर, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
वॉट इज अलेक्जेंड्राइन, अलेक्जेंड्राइन क्या होता है, ये पोइट्री में अलेक्जेंड्राइन क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि जो अलेक्जेंड्राइन है आपका वो एक वर्ड्स फॉर्म है, वो एक वर्ड्स फॉर्म है जिसमें मतलब वर्ड्स की एक लाइन है जिसमें 6 आयम्बिक फीट में होता है, 12 सिलेबल्स पाए जाते हैं जो 6 आयम्बिक फीट में रहता है, जिस 6 आयम्बिक फीट में पाया जाता है अलेक्जेंड्राइन। तो यहाँ पे देखते हैं ये 4 आयम्बिक फीट बता रहा है, ये विदाउट आयम्बिक मीटर है, अलाइन एंड स्टॉप ये गलत हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अलाइन ऑफ 6 आयम्बिक फीट ओकेजनली यूज इन हीरोइक कॉपलेट, हीरोइक कॉपलेट तो ये एक लाइन होती है जो 6 आयम्बिक फीट में होती है और अक्सर इसका यूज़ हम हीरोइक कॉपलेट में करते हैं, ये ध्यान रखना है अपने। ओके चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। वॉट इज टेर्जा रीमा, टेर्जा रीमा क्या होता है, टेर्जा रीमा जिन्हें हम जानते हैं इसे हम अगर देखा जाए तो टर्सेट के नाम से भी जानते हैं, टर्सेट, ट्रिपलेट जो 3 लाइन होती हैं, ट्रिपलेट, ठीक है। वॉट इज टेर्जा रीमा, टेर्जा रीमा क्या है, एक वर्ड्स फॉर्म है जो यूज़ होता है आयम्बिक टर्सेट में, यानी कि 3 लाइन की ग्रुपिंग्स होती है, टेर्जा रीमा क्या होता है, एक 3 लाइन की ग्रुपिंग्स होती है। तो यहाँ पे इसकी जो राइमिंग स्कीम क्या है ये भी जान लेते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम आपकी क्या हो, एक मिनट, इसकी राइमिंग स्कीम आपकी ए बी ए एंड बी सी बी एंड सी डी सी एट्सेट्रा, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, किसकी, टर्जा रीमा की, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, 3 लाइन राइमिंग स्कीम है टर्जा रीमा, 3 लाइन स्टैंजा ऑफ राइमिंग स्कीम, फिक्स्ड राइमिंग पाई जाती है टर्जा रीमा में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, टर्जा रीमा इज रन ऑन 3 लाइन स्टैंजा विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम, ये आपने ध्यान रखना है, टर्जा रीमा एक ओपन पोएटिक फॉर्म है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके और ये भी ध्यान रखना है कि टर्जा रीमा पॉपुलर हुआ था मेनी कंट्रीज़ में, जैसे टर्जा रीमा का यूज़ किसने किया, जैसे जॉफ्री चौसर ने किया था कंप्लेंट अन टू हिज लेडी, कंप्लेंट अन टू हिज लेडी, वहीं पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी यूज़ किया था द स्टेचू एंड द बस्ट, और वहीं पे आपके पी वी शैली ने भी यूज़ किया था टर्जा रीमा का ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू द वेस्ट विंड जो उन्होंने 1820 में, ये ध्यान रखिएगा। ओके चलिए सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊंगी इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि टर्जा रीमा का उन्होंने कहाँ कहाँ यूज़ किया था। ओके चलिए फिर इसका यूज़ बहुत सारे राइटरों ने किया है, जैसे 14 सेंचुरी में इसका, ये 14 सेंचुरी में आया था इटली में, और सबसे पहले इसका मतलब टर्जा रीमा जो इमर्ज्ड हुआ था वो 14 सेंचुरी में हुआ था इटली में, और इसका यूज़ वही इंग्लिश पोएट पर्सी बायशी शैली ने किया था, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किया था, वहीं पे इटालियन रेनेसेंस जो पोएट्स थे लाइक बोकैशियो पेट्रार्क इन सब ने भी इंटरेस्ट दिखाया था इसमें और इसका यूज़ भी किया था, ये ध्यान रखिएगा। और पर्सी बायशी शैली ने ओ टू द वेस्ट विंड में उन्होंने इसका यूज़ किया था। और बात अगर आ जाए इसको इन्वेंट किसने किया था टर्जा रीमा को, तो वो एक इटालियन पोएट थे, उस पोएट का नाम क्या था, डांटे, डांटे एलिगेरी, यह आपने ध्यान रखना है, डांटे एलिगेरी, एलिगेरी इन्होंने ही किया था लेट 13 सेंचुरी में, इनकी डिवाइन कॉमेडी थी उसमें इन्होंने यूज़ किया था, इन्वेंट किया था इसे। ओके चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। पेन बहुत धोखा दे रही है, चलिए आगे हम देखेंगे। व्हाट इज़ अ राइम रॉयल स्टैंजा, राइम रॉयल स्टैंजा क्या है। अच्छा टर्जा रीमा की जो राइमिंग स्कीम है ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ए बी ए बी सी बी एंड सी डी सी, ये आपने ध्यान रखना है। ओके चलिए फिर आगे देखते हैं। व्हाट इज़ अ राइम रॉयल स्टैंजा, आप खुद ही देख रहे होंगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब जगह पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मीटर से क्वेश्चन है। तो राइम रॉयल स्टैंजा क्या है, तो राइम रॉयल स्टैंजा क्या है, एक 7 लाइन स्टैंजा है जो दैट यूजली यूजेज इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये भी एक 7 लाइन स्टैंजा होती है जो यूज़ जो लिखा किस में जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर में। इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम इसकी क्या है, तो ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी, इसमें डबल बी है एंड लास्ट में डबल सी है, ये राइमिंग स्कीम आप ध्यान दे सकते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम आप जरूर याद रखिएगा।
ओके तो ये ध्यान रखिएगा। और जो राइम लॉल स्टेंजा है ना, इसको हम दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे अ टर्सिट एंड टू कॉपलेट्स। सबसे पहले इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, एक टर्सिट और जैसे एक टर्सिट, अ टर्सिट एंड टू कॉपलेट्स। टू कॉपलेट्स मीन्स इसका मतलब कि देखिए यहाँ पे देखिए ए बी ए, पहले इसको यूज कर सकते हैं ए बी ए, ए बी ए करके ए बी ए एंड फिर बी बी सी सी, बी बी एंड सी सी। तो ये तीनों किस में चला जाएगा, टर्सिट का यूज हो गया है ना, तीन लाइन की ये टर्सिट हो गया, एंड बी बी ये कॉपलेट है, कॉपलेट दो लाइन की, ये कॉपलेट में यूज़ कर सकते हैं, ये भी कॉपलेट में यूज़ कर सकते हैं। तो अ टर्सिट एंड टू कॉपलेट्स इसका यूज़ कर सकते हैं, दो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है एक क्वाट्रेन, क्वाट्रेन एक क्वाट्रेन और एक टर्सिट, एक टर्सिट इसका कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी ए बी, ये क्वाट्रेन में कर सकते हैं, ए बी ए बी ए बी ये क्वाट्रन में कर सकते हैं, और एक टर्सेट में कर सकते हैं, बी सी सी, बी सी सी ये टर्सेट आपका हो गया। तो ये जो हमारा राइम रॉयल है इसको हम दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ओके चलिए फिर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। राइम रॉयल स्टैंजा इज सेवन लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ओटवा रीमा, ओटवा रीमा क्या है। तो ओटवा रीमा जनरली हम जानते हैं कि इसमें एट लाइन है ना, एट लाइन का होता है ये ओटवा रीमा, एट लाइन का होता है, और ये भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है, 11 सेलेबल्स में होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है ये भी आपने ध्यान रखना है, इसकी राइमिंग स्कीम आपकी ए बी ए बी, वन मिनट इसको मैं स्मॉल में ही लिख देती हूँ, राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी ए बी ए बी सी सी, ए बी ए बी ए बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, और जनरली ये लिखा जाता है, इसको यूज़ किया जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में। और ये ओरिजिनेट कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, ओटवा रीमा इसको ओरिजिनेट कब किया था, इन द लेट 13 एंड अर्ली 14 सेंचुरी में इसको ओरिजिनेट किया गया था, और इसको डेवलप किसने किया था, टस्कन पोएट ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। ओके टस्कन पोएट्स थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ओके फॉर रिलीजियस वर्ड्स एंड ड्रामा, किसके लिए, रिलीजियस वर्ड्स और ड्रामा के लिए किसमें किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टस्कन पोएट्स ने किए थे ट्रूबाडोर सॉन्ग में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रूबाडोर ट्रूबाडोर सॉन्ग्स था इसमें इन्होंने किया था, ये ध्यान रखिए। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। इट इज़ एन एट लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। ओके चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टैंजा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पेंसरियन स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं, कितनी लाइन्स पाई जाती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 लाइन्स पाई जाती हैं स्पेंसरियन में, कितनी लाइन पाई जाती हैं, 9 लाइन्स में। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में। नेक्स्ट वन पे आते हैं। व्हाट इज स्पेंसरियन स्टैंजा, क्या होता है ये स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड वर्ड्स है जिसको मेड किसने किया था, एडमंड स्पेंसर ने किया था। कहाँ पे किया था, उनकी एक एपिक पोयम था दी फेरी क्वीन, उनका एक एपिक पोयम था दी फेरी क्वीन, इसमें इन्होंने किया था, ये ध्यान रखना है। स्पेंसरियन स्टैंजा हैज़ 9 लाइन्स, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो स्पेंसरियन स्टैंजा है वो कितने लाइन्स की होती है, 9 लाइन्स की। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी ए बी ए बी एंड ए बी ए बी बी सी बी सी बी सी सी, ठीक है सी सी, ये स्पेंसरियन स्टैंजा का है ए बी ए बी बी सी बी सी, ठीक है। ओके तो यहाँ पे यही है ए बी ए बी बी सी बी सी सी।
और ये भी ध्यान रखिएगा जो 8 लाइंस है, जैसे देखिए स्पेंसर स्टेंजा में 9 लाइंस हैं, कितनी लाइंस पाई जाती हैं, 9 लाइंस होती हैं, बट इसकी जो 8 लाइन है, ये ध्यान रखिएगा इसकी जो 8 लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में है, आयम्बिक पेंटामीटर में है, और जो इसकी 9 लाइन है वो अलेक्जेंड्राइन लाइन है जो आयम्बिक हेक्सामीटर में है। ये ध्यान रखिएगा 9 लाइन की स्टेंजा है बट 8 लाइन इसका आयम्बिक पेंटामीटर में रहता है, इसकी जो 9वीं लाइन है, आखिरी लाइन है इसकी, वो किस में रहती है, वो उसे हम अलेक्जेंड्राइन लाइन कहते हैं और वो आयम्बिक हेक्सामीटर में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन पे आते हैं। इन विच वर्क डज स्पेंसर यूज द स्पेंसरियन स्टेंजा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो स्पेंसर ने अपने किस वर्क में स्पेंसरियन स्टेंजा को पहली बार यूज़ किया था, जैसे कि अभी मैंने बताया द फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन में उन्होंने यूज़ किया था स्पेंसरियन स्टेंजा को। ओके स्पेंसर का था ये। नेक्स्ट वन, वॉट इज ब्लैंक वर्ड्स, यहाँ पे देखिएगा वन मिनट, जो स्पेंसर इन स्टेंजा है ना, इसका यूज़ तो हम जानते थे एडविन स्पेंसर ने किया है फेरी क्वीन में किया है, लेकिन और भी राइटर हैं जैसे आपके विलियम कुलेन, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है तो सो बता दे रही हूँ, विलियम एक मिनट कुलेन ब्रायंट, इनका एक वर्क था म्यूटेशन, म्यूटेशन में इन्होंने इसका यूज़ किया है स्पेंसर इन स्टेंजा का, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने भी यूज़ किया है इनका जो वर्क था द लोटस ईटर्स, ठीक है लोटस ईटर्स। ओके इसमें भी इन्होंने स्पेंसर इन स्टेंजा का यूज़ किया है, मुझे लगा इम्पोर्टेंट है सो बता देती हूँ। ओके चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं, व्हाट इज़ ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स क्या है, तो ये सभी को पता है ब्लैंक वर्ड्स एक रिदमिक पैटर्न है बजाय राइम के, इसमें राइम नहीं होता है, ओनली मीटर पाया जाता है इसमें, कोई अगर ब्लैंक वर्ड्स में कोई भी पोएट्री लिखी गई है तो वो एक दूसरे से राइम नहीं करेगी, ओनली इसमें सिर्फ मीटर का यूज़ किया जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लैंक वर्ड्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम। ओके तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्लैंक वर्ड्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम, इसमें मीटर पाया जाता है लेकिन कोई राइम नहीं पाया जाता है। और ब्लैंक वर्ड्स डेवलप कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा इसको, मतलब ये डेवलप कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, और सबसे ज़्यादा ये वाइड कहाँ हुआ था, रेनेसेंस के समय, इटली में तो ये विकसित हो गया था बट जब रेनेसेंस आया था, रेनेसेंस के समय ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ब्लैंक वर्ड्स, और इसको इसका जो यूज़ है इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन जर्मन लिटरेचर में भी इसका यूज़ किया जाता था, जहाँ पे इसका यूज किसने किया था, गॉटथोल्ड एप्रेम लेसिंग ने किया था, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, गॉटथोल्ड एप्रेम लेसिंग ने किया था इसका यूज़, ठीक है ये जर्मन लिटरेचर में यूज़ हुआ था और इसका उन्होंने ही किया था। ओके लेसिंग ने किया था, इन्होंने ही किया था 1779 में किया था। ओके ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वन पे आते हैं, नेक्स्ट वन जो है आपका व्हाट इज़ फ्री वर्ड्स, फ्री वर्ड्स क्या है, तो फ्री वर्ड जिसमें कोई मीटर नहीं यूज़ होता है, ना ही मीटर होते हैं, जिसमें कोई मीटर ना ही आपके कोई मीटर यूज़ होता है, ना ही कोई राइम रहता है, ना कोई राइम रहता है ना ही मीटर हो जाता है, उसे हम फ्री वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, फ्री वर्ड्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम, जिसमें कोई मीटर नहीं कोई राइम नहीं। इसका पॉइनियर कौन है, यानी कि इसको इसका पॉइनियर किसे माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कौन है, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स तो कौन है, ये आपके वॉल्ट विटमैन है, ये ध्यान रखिएगा, वॉल्ट वन मिनट विटमैन है। ओके वॉल्ट विटमैन है फ्री वर्ड्स के फादर, ठीक है। ओके और फ्री वर्ड्स को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो फ्री वर्ड्स को हम ओपन फॉर्म कहते हैं, ओपन फॉर्म, इसे हम ओपन फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, इसे हम ओपन एंडेड के नाम से जानते हैं, ओपन एंडेड,
ओपन एंडेड वर्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, वन मिनट, चलिए, इसे हम ओपन एंडेड वर्ड्स के नाम से जानते हैं और इसे हम वर्ड्स लिब्रे के नाम से जानते हैं, वर्ड्स लिब्रे। पता नहीं एग्जाम में कौन से कौन सा रूप आपका कौन सा फॉर्म पूछ ले इसका, फ्री वर्ड्स ना पूछे तो कुछ और पूछ ले। इसे हम अनमेट्रिकल वर्ड्स के नाम से जानते हैं, अनमेट्रिकल वर्ड्स के नाम से जानते हैं, वर्ड्स लिब्रे अनराइम्ड वर्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए फिर अनराइम्ड अनमेट्रिकल वर्ड्स इसे हम ओपन फॉर्म ओपन एंडेड वर्ड्स वर्ड्स लिब्रे के नाम से भी जानते हैं। ब्लैंक वर्ड्स को भी हम जानते हैं, ब्लैंक वर्ड्स को भी हम कहेंगे अनमेट्रिकल वर्ड्स कहेंगे या फिर अनराइम्ड वर्ड्स भी कहते हैं ब्लैंक वर्ड्स को भी, तो अपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, इन विच स्टैंजा फॉर्म इज ग्रेज एलजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड रिटन। तो यहाँ पे जो थॉमस ग्रे की एलजी है रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये किस स्टैंजा में लिखी गई है, ये पूछा जा रहा है कि किस स्टैंजा में लिखी गई है। तो यहाँ पे कंट्री चर्च यार्ड जो इनकी एलजी है वो एक कविता है जो 1750 में कंप्लीट हुई थी। ये कंप्लीट कब हुई थी, 1750 में, 1750 में ये कंप्लीट हुई थी। और पहली बार ये पब्लिश कब हुआ था, तो 1751 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है। और 1721 की डेथ पे ये कहा जाता है कि एक एलजी है, ये एक एलजी है। और ऐसा भी माना जाता है कि 1742 में जो पोएट थे रिचर्ड वेस्ट, उनकी डेथ के बाद ही ये एलर्जी आई थी आंशिक रूप से, जो ग्रे के विचारों से ये प्रेरित थी ये एलर्जी और आई थी, ऐसा कहा जाता है। उनके डेथ के बाद आई थी, उनके डेथ पर लिखी गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि किस स्टैंजा में ये लिखी गई थी, तो हीरोइक क्वार्टर में लिखी गई थी, जिन्हें हम एलिगियाक क्वार्टर कहते हैं या एलिगियाक स्टैंजा भी कहते हैं। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, और ये इन्हें हम एलिगियाक क्वार्टर भी कहेंगे, एलिगियाक आपकी स्टैंजा भी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, नई क्वेश्चन तो और हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन मिल्टोनिक सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट में कितनी लाइन्स हैं। मिल्टोनिक सोनेट मीन्स इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट की बात कर रहा है, क्योंकि इटालियन सोनेट को मिल्टन ने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, इसलिए इसे मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। तो ये कितने लाइंस की होती हैं, 14 लाइंस की होती हैं। इटालियन सोनेट कितने लाइन का होता है, 14 लाइन का। ओके, और इसमें आपकी 14 लाइन होती है, 8 लाइन जो होती है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो 6 लाइन होती है उसे हम सस्टेट कहते हैं। 8 लाइन में क्या होता है, पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रहता है, और जो 6 लाइन में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइंस ऑफ मिल्टोनिक सोनेट कॉल्ड। यहाँ पे देखिए फिर से भी पूछ लिया कि मिल्टोनिक सोनेट की जो फर्स्ट 8 लाइन है उसे हम क्या कहते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया ऑक्टेट की ऑक्टेव, ऑक्टेन की ऑक्टेट, तो ऑक्टेव कहा जाता है। जस्ट अभी मैंने बताया ऑक्टेव कहा जाता है, जो फर्स्ट 8 लाइन है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, जिसमें जो राइटर है वो क्वेश्चन करते हैं। हमने मिल्टन का देखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी एक सोनेट है, इटालियन पे बेस्ड है, मिल्टोनिक सोनेट है। एंड वो क्या करते हैं 8 लाइन में, वो बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, ईश्वर से नाराज हैं और उनकी आंखें क्यों ले ली गई, अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए, और इस रीज़न वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उनसे। और लास्ट की जो 6 लाइन में उस क्वेश्चन को पेशेंस जो है वो जवाब देता है, यानी कि उनके जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो ईश्वर से करते हैं, बाद में वो रिलैक्स फील करते हैं, यानी कि 6 लाइन में उनको उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो यही चीज़ें हैं, सॉल्यूशन मिलता है उनके सवालों का। नेक्स्ट वन पे आते हैं। व्हाट आर द लास्ट 6 लाइंस ऑफ मिल्टोनिक सोनेट कॉल्ड। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा है कि अभी मैंने बताया कि मिल्टोनिक सोनेट की जो लास्ट 6 लाइंस हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, तो सस्टेट कहते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पेन बहुत धोखा दे रहा है इस समय।
90 क्वेश्चन देखेंगे. द फर्स्ट 12 लाइंस ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट आर अरेंज अंडर वन ऑफ दीज पैटर्न्स, विच पैटर्न. तो शेक्सपियर जो सोनेट है उसकी जो फर्स्ट 12 लाइंस है, 12 लाइंस की पूछा गया है, वो उसे हम क्या कहेंगे, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं. तो शेक्सपियरियन सोनेट भी 14 लाइंस की होती है, बट इटालियन और शेक्सपियरियन में बस इतना ही फर्क है कि उसकी 8 लाइन को उसको बांट दिया गया, 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं, 6 लाइन को सस्टेट कहते हैं. शेक्सपियरियन में क्या होता है, ये 3 क्वाट्रन में लिखते हैं और लास्ट की इनकी 2 लाइन बचती है जिन्हें हम कॉपलेट के नाम से जानते हैं, ये कॉपलेट में लिखते हैं शेक्सपियर. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो 12 लाइंस हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो 3 क्वाट्रन्स में लिखा गया उन्होंने. ओके, 3 क्वाट्रन्स, 3 क्वाट्रन्स यानी कि एक क्वाट्रन 4 लाइन की स्टैंजा को, 4 लाइन्स की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, क्वाट्रन कहते हैं. इसे स्टैंजा भी कहते हैं और क्वाट्रन कहते हैं. तो 4 4 4 12, यहाँ पे 12 हो गया और लास्ट 2 बचता है, 2 लाइन जो बचती है वो कॉपलेट में रहता है, शेक्सपियर में है, ये शेक्सपियरियन सोनेट में है. नेक्स्ट वन है, इन टू विच स्टैंजा फॉर्म इज पॉप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म रिटन. अलेक्जेंडर पॉप का एक वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये किस स्टैंजा में लिखा गया है ये पूछा जा रहा है, किस स्टैंजा में इन्होंने इसे लिखा है अलेक्जेंडर पॉप ने. सो राइट आंसर, हीरोइक कॉपलेट्स में इन्होंने लिखा है. किस में लिखा है, हीरोइक कॉपलेट्स में. ओके, अब भी हमने पढ़ा हीरोइक कॉपलेट्स क्या होता है. हीरोइक कॉपलेट्स भी 2 लाइंस की होती हैं, वो भी दोनों एक दूसरे से राइम करती हैं. इन टू हाउ मेनी बोर्ड पार्ट्स इन पिंडारिक ओड डिवाइड, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिंडारिक ओड में जो कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, कितने पार्ट्स हैं. तो 3 पार्ट्स हैं जिन्हें हम स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे एंड एपोड, ये तीनों पाए जाते हैं ना, स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे एंड एपोड. तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए, ए करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं. देखिए यहाँ पे पूछा भी है, स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे एंड एपोड आर द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ, जो स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे एंड एपोड है ये किसके पार्ट्स हैं, किसके घटक हैं, किसके कंपोनेंट हैं, किसके पार्ट्स हैं. सो राइट आंसर पिंडारी कोड के हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा. नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इन पोइट्री वॉज पोइट्री में जो कॉन्सेप्ट है टेंशन का कॉन्सेप्ट है, टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा एडवांस किया गया है, ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा एडवांस किया गया है. तो एलन टेट के द्वारा, ध्यान रखना है ये एलन टेट के द्वारा. एंड नेक्स्ट वन है, नेम द अर्लीस्ट ड्रामेटिस्ट हु रोट हिज प्लेज इन ब्लैंक वर्ड्स. पहले वो अर्लीस्ट शुरुआती ड्रामेटिस्ट नाटककार कौन है जिन्होंने अपने प्लेज में ब्लैंक वर्ड्स में अपने प्लेज को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है. तो पहले वो ड्रामेटिस्ट कौन है शुरुआती के, मार्लो हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, शेक्सपियर से ज़्यादा भी, इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को शेक्सपियर से ज़्यादा यूज़ किया है. और ये भी ध्यान रखिएगा, और इन्होंने इतना ज़्यादा यूज किया कि बेन जॉनसन ने इनके उस यूज़ को माइटी लाइन कहा है. हमने पढ़ा है ना, माइटी लाइन इन्हीं को ही कहा गया है, इनके यूज़ को कहा गया है माइटी लाइन, और ये बेन जॉनसन ने कहा है. ओके, बेन जॉनसन ने कहा है माइटी लाइन. ब्लैंक वर्ड्स का यूज अब के मिल्टन करते हैं, किसमें, पैराडाइज लॉस्ट में भी करते हैं, शेक्सपियर करते हैं, उनकी एक सोनेट है शैल आई कंपेयर दी, सोनेट नंबर 18 उसमें करते हैं. चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ईच स्टैंजा इन शैलीज एडोनिस हैज. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शैली की जो एडोनिस में प्रत्येक स्टैंजा कितनी लाइन्स में है, प्रत्येक जो स्टैंजा है वो कितनी लाइन्स है. लेकिन जो एडोनिस है, एडोनिस भी एक क्या है, आपकी एलिजी है जो 1821 में आई थिंक आई है, और ये एक एलिजी है जिसको किसने लिखा था, पी बी शैली ने लिखा था. किसकी डेथ पे लिखा था इन्होंने, जॉन किड्स के डेथ पे लिखा था. ओके, जॉन किड्स के डेथ पे इन्होंने लिखा था. और ये कितनी लाइन्स में है पूछा जा रहा है, तो 9 लाइन्स में. ओके,
तो ये थे 25 ही क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है जिसके कारण आपकी वीडियो लेंदी भी हो गई है। तो आप लोग गुस्सा मत करिएगा मैम वीडियो बहुत लेंदी बनाते हो, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, शायद आपके कुछ काम आ जाए, आपकी एग्ज़ाम के लिए काम आ जाए जो मैंने एक्सप्लेन थोड़ा सा फर्दर जो एक्सप्लेन मैंने किया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है आप लोग को, शायद वो आपके काम आ जाए। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपने कितना स्कोर किया, 25 ही क्वेश्चन थे, कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा। पीडीएफ चाहिए, मैं सारा ही पीडीएफ एक साथ भेज दूँगी, बहुत दिनों से पीडीएफ मैंने नहीं भेजे हैं, पीडीएफ मैंने सारा ही भेज दूँगी। पीडीएफ चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम दोनों जगह आप ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे ज्वाइन होंगे, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।